राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक राहुल गांधी राजस्थान में 70% यात्रा पूरी कर चुके हैं। अलवर से यात्रा हरियाणा में एंट्री करेगी। आज भारत जोड़ो यात्रा एक ही फेज में 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले में सबसे ज्यादा 5 दिन रहेगी। यात्रा के स्वागत के लिए राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम एक म्यूजिक कंसर्ट रखा गया है। इसमें सुनिधि चौहान परफॉर्मेंस देगी। इसमें राहुल गांधी और सभी भारत यात्री शामिल होंगे। प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार आज टी ब्रेक की जगह सीधा लंच ब्रेक रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर आज जयपुर के नए पीसीसी ऑफिस में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। राजस्थान में राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह 6 बजे दौसा के नांगल राजावतान में मीना हाईकोर्ट से यात्रा शुरू हो चुकी है। ये 11 बजे यात्रा दौसा के गिरिराज धरण मंदिर पहुंचेगी। यही यात्रा का आखिरी पॉइंट होगा। इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जयपुर आएंगे। आज एक ही फेज में यात्रा 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक 5 घंटे चलेगी। शुक्रवार शाम यात्रा का दूसरा चरण नहीं होगा। दौसा में भांडारोस के पास यात्रा का आज और कल रात्रि विश्राम होगा। आज यात्रा 11 बजे तक ही होगी। 11 बजे तक बिना ब्रेक यात्रा 22 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जयपुर रवाना हो जाएंगे। वे 4 बजे अस्पताल रोड के नए कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका नाइट स्टे जयपुर में ही होगा। भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले के सबसे ज्यादा 5 दिन रहेगी। यात्रा के स्वागत के लिए राजधानी जयपुर में शुक्रवार शाम एक म्यूजिक कंसर्ट रखा गया है। इसमें सुनिधि चौहान परफॉर्मेंस देंगी। इसमें राहुल गांधी और सभी भारत यात्री शामिल होंगे।